हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये रहा Realme 9 Pro Plus 5G और इसको लॉन्च हुए लगभग 10-12 दिन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी अनबॉक्सिंग, फीचर्स की वीडियो, हिडन फीचर्स सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग Realme 9 Pro Plus का चार्जिंग टेस्ट करेंगे और इस टाइम के ऊपर अगर आप लोग बैटरी देखें तो आप लोगों को 4% बैटरी देखने को मिलती है और देखेंगे कि पूरा 100% चार्ज होने में Realme 9 Pro Plus 5G है वो कितना टाइम लगाता है। वेल, इस वीडियो में Realme 9 Pro का आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को जो चार्जर देखने को मिलता है उसी को यूज करेंगे और साथ में जो डाटा केबल देखने को मिलती है इन्हीं दोनों को यूज करेंगे, किसी भी थर्ड पार्टी चार्जर को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी इस टाइप की वीडियो। अगर आप लोगों को फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आप लोगों को लाकर का बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना, इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। अब दोस्तों, अगर आप लोग इस टाइम के ऊपर Realme 9 Pro Plus की बैटरी चेकआउट करें तो आप लोगों को बैटरी देखने को मिलती है 3% और मोस्टली कोई भी यूजर अपने डिवाइस को पूरा डेड नहीं करता, वो भी 3 या 4 या 10% के ऊपर अपने डिवाइस को चार्जिंग के ऊपर लगा देगा। तो हम लोग 3% के ऊपर चार्जिंग के ऊपर लगाते हैं, साथ में स्टॉप वॉच को भी ऑन करते हैं और अब मैं आपको मिलता हूं 5 मिनट के बाद और देखते हैं कि 5 मिनट के अंदर कितनी बैटरी जो है Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर चार्ज हो जाएगी। अब दोस्तों, 5 मिनट कंप्लीट होने को हैं और बात की जाए बैटरी की तो 5 मिनट के अंदर आप लोगों को 19% बैटरी जो है वो Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर चार्ज देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर आप लोग बैटरी का सेक्शन भी चेकआउट करें तो आप लोगों को जो बैटरी है वो 20% देखने को मिलेगी। आप लोग देखिए, पावर सेविंग मोड और सुपर पावर सेविंग मोड दोनों ऑफ है और जो नेटवर्क है वो भी आप लोगों को ऑन देखने को मिलता है। वेल, अब मैं आपको मिलता हूं 10 मिनट के बाद और देखते हैं कि 10 मिनट के अंदर कितनी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। अब दोस्तों, 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और बात की जाए बैटरी की तो उम्मीद तो यही है कि 40% कंप्लीट हो गई हो, लेकिन चेक करें तो आप लोगों को 35% जो बैटरी है वो चार्ज देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर आप लोग बैटरी का सेक्शन भी चेकआउट करें तो आपको यहां पर भी 35% ही देखने को मिलेगी और जो नेटवर्किंग है और जो एक्टिविटीज हैं वो बैकग्राउंड में बिल्कुल भी रन नहीं हो रही हैं। अब मैं आपको मिलता हूं 15 मिनट के बाद और देखते हैं कि 15 मिनट के अंदर कितनी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। अब दोस्तों, 15 मिनट पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं एंड बात की जाए बैटरी की तो 15 मिनट के अंदर आपके डिवाइस में 47% जो बैटरी है वो चार्ज हुई है। साथ में आप लोगों को हर बार मैं बैटरी का सेक्शन चेकआउट करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट या कोई भी आप लोगों का जो डाउट्स है वो आपके दिमाग में ना रहे। 15 मिनट के अंदर 48% बैटरी जो है वो आपकी चार्ज हो गई है। अब मैं आपको मिलता हूं 20 मिनट के बाद और देखते हैं 20 मिनट के अंदर कितनी बैटरी जो है Realme 9 Pro Plus के अंदर चार्ज हो जाएगी। अब दोस्तों, 20 मिनट पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और बात की जाए बैटरी की तो मैं भी एक्साइटेड हूँ बैटरी देखने के लिए। मैंने अभी तक चेकआउट नहीं की, उम्मीद तो है कि 70% कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन चेकआउट करें तो आपकी जो बैटरी है वो 59% आप लोगों को 20 मिनट्स के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो 20 मिनट के अंदर 60% पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। वेल, आप लोग बैटरी का सेक्शन भी देख लें, 60% आपको देखने को मिलती है। अब मैं आपको मिलता हूं 25 मिनट के बाद और देखते हैं कि 25 मिनट के अंदर ये 80% क्रॉस करता है कि नहीं करता है। फाइनली दोस्तों, 25 मिनट पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब बात की जाए बैटरी की तो 25 मिनट के अंदर 71% बैटरी जो है वो चार्ज हुई है, पूरा का पूरा 80% चार्ज नहीं हुआ। बैटरी का सेक्शन भी चेकआउट करें, 72% बैटरी आपको देखने को मिलती है। अब मैं आपको मिलता हूं पूरा आधे घंटे के बाद और देखते हैं कि पूरा आधा घंटा चार्ज करने के बाद Realme 9 Pro Plus 5G के अंदर कितनी परसेंट बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। फाइनली दोस्तों, पूरा का पूरा आधा घंटा कंप्लीट हो गया है एंड बात की जाए बैटरी की तो आधे घंटे के अंदर आपका जो डिवाइस है Realme 9 Pro Plus वो 84% पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। वेल, उम्मीद तो थी कि 90% कंप्लीट हो जाए आधे घंटे में, लेकिन नहीं हुआ, 84% पूरा का पूरा चार्ज हुआ है। अब मैं आपको मिलता हूं 35 मिनट के बाद और देखते हैं कि 35 मिनट के अंदर ये पूरा चार्ज होता है कि नहीं होता। अब दोस्तों, 35 मिनट कंप्लीट होने को हैं और बात की जाए बैटरी की तो बैटरी देखने को मिलती है 91%, अभी भी पूरा का पूरा चार्ज नहीं हुआ।
मेरे हिसाब से 40 मिनट लग जाएंगे इसको पूरा फुल चार्ज होने में। वेल देखते हैं 40 मिनट के बाद क्या ये पूरा का पूरा फुल चार्ज होता है कि नहीं होता। और बात की जाए चार्जिंग की तो 97% जो बैटरी है वो 40 मिनट के अंदर चार्ज हो गई है। आई होप 45 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ये चार्ज हो जाए। अब मैं आपको मिलता हूँ 45 मिनट के बाद और साथ में इस बार मैं फोन को ऑन रखूंगा ताकि पता चलता जाए कितनी टाइम लगेगा पूरी 100% बैटरी चार्ज होने में। सो आप लोग यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्किप भी कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। वेल दोस्तों Realme 9 Pro Plus 5G को पूरा का पूरा 100% चार्ज होने में 43 मिनट और आप लोग 10 सेकंड रखिए 5 सेकंड मुझे टाइम भी लग गया, 43 मिनट पूरे के पूरे लगेंगे Realme 9 Pro Plus 5G को पूरा चार्ज करने में। लेकिन अभी भी ये पूरा चार्ज नहीं हुआ है। आप लोग देखिए यहाँ पर 100% हो गया है लेकिन ऊपर अभी भी आपको जो चार्जिंग का आइकन है वो देखने को मिल रहा है। वेल जब तक ये चार्जिंग का आइकन नहीं जाएगा आपका डिवाइस पूरा फुल चार्ज नहीं होता लेकिन बैटरी में शो कर देता है। तो Realme 9 Pro Plus 5G को पूरा का पूरा फुल चार्ज होने में कम से कम 45 मिनट लग जाएंगे। पूरा 45 मिनट के अंदर जाकर के आपका जो Realme 9 Pro Plus 5G है वो चार्ज हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको फ्यूचर में इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो नीचे आप लोगों को लाकर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर।